हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अन एकेडमीज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी दोस्तों आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चालू कर रहे हैं जो कि आप चाहे 2023 का एग्जाम दो 24 का दो या 25 का दो सभी जगह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये है एनसीईआरटी एनसीईआरटी जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं सभी एग्जाम्स के लिए खासकर यूपीएससी के लिए तो सबसे अभेद और अचूक अस्त्र है एनसीआर और अगर हम एनसीआर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की एन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि आपकी नींव मजबूत करने के लिए जो एन है वो है एन कक्षा ग्यारह की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्योंकि ये जो एनसीआर है कक्षा ग्यारह की इसमें आपको बिल्कुल जीरो से जी बिल्कुल बेसिक से समझाया जाता है तो खासकर वो बच्चे जिन्हें इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं या फिर बहुत किताबें पढ़ने के बावजूद भी नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनके लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि बिल्कुल जीरो से यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है तो सबसे पहले हम बात करें कक्षा ग्यारह की इस NCRT की जैसा कि इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तो बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था बनी है इसके बारे में हम जानेंगे यानी कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था जिसने अंग्रेजों की गुलामी भी देखी यानी कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता पूर्व क्या थी भारतीय अर्थव्यवस्था उसे भी हम जानेंगे और अब जब आधुनिक विश्व में हम प्रवेश कर चुके हैं तो आज कैसी अर्थव्यवस्था है इसके बारे में भी पता चलेगा और सबसे अच्छी बात यह है इस किताब की कि इसने इकोनॉमिक्स के हर पहलू को टच किया है मतलब इट इज ए कंप्लीट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स ये आपको स्वतंत्रता से पहले की अर्थव्यवस्था भी बताती है स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था भी बताती है अर्थव्यवस्था के प्रकार भी बताती है सबसे विशेष भारत में जो उन्नीस के सुधार हुए थे जिन्हें आप एलपीजी रिफॉर्म्स या उदारीकरण निजीकरण या फिर वैश्वीकरण की सुधार कहते हो यह भी आपको देखने को मिलता है साथ ही साथ मानव संसाधन विकास पूंजी विदेशी व्यापार और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे यानी कि एक कंप्लीट बुक है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का आपको पता चलेगा ना सिर्फ भारत में क्या हुआ बल्कि विदेशों के किन प्रभावों की वजह से भारत में परिवर्तन किए गए तो ये सब आपको इस एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा तो टोटल दस चैप्टर हैं इस एन के और हम लगभग डेढ़ से दो चैप्टर पर डे करेंगे आठ कक्षाओं के अंदर कक्षा ग्यारह की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी फिर हम कक्षा बारह की एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे और ध्यान रखना इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हाथों हाथ हत अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल है संतोष शर्मा यूपीएससी यूपीएससीडमी के नाम से इसे ज्वाइन कर लो जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी ओके तो स्टार्ट, यू, वेरी वेरी यू और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से और पहला चैप्टर बात करता है स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर यानी कि 1947 से पहले पहले क्या स्थिति थी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्योंकि तो जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश के टाइम पर जानोगे तभी तो आज अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर पाओगे और सही दिशा में कार्य कर पाओगे इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है पहले तो अंतर समझ लो कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है एक है अर्थ यानी कि पैसा और दूसरा है शास्त्र शास्त्र का मतलब होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों का समूह यानी कि धन संबंधित सिद्धांतों के समूह को धन संबंधी सिद्धांतों का समूह क्या कहलाता है अर्थशास्त्र और ये किस प्रकार के होंगे सिद्धांत जो कि धन का इष्टतम प्रयोग कर सके दैट मीन रैशनलाइज यूज ऑफ मनी हो सके पैसों का सही दिशा में सदुपयोग हो सके तो वो हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे सिद्धांत अर्थशास्त्र में पढ़े जाते हैं और इसी अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप जो होता है इसी अर्थशास्त्र का द बिहेवरल एस्पेक्ट ऑफ इकोनमी इज नोन एज अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स तो जब हम इन धन संबंधित सिद्धांतों को अपना लेते हैं और फिर अर्थ की यानी कि कहाँ कितना कितना पैसा लगा है वो हमें दिखता है उसका बिहेवरल एस्पेक्ट दिखता है तो फिर वो अर्थव्यवस्था कहलाता है जैसे कि अर्थ की व्यवस्था यानी कि कहाँ कितना पैसा लगा जैसे कृषि क्षेत्र में कितना पैसा लगा है औद्योगिक क्षेत्र में कितना पैसा लगा हुआ है सेवा क्षेत्र में कितना पैसा लगा हुआ है विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है कितना निवेश हो रहा है कितना विदेशी व्यापार हो रहा है किसका कितना सहयोग है ये सब अर्थव्यवस्था में देखा जाता है मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो बात करती है डेटा की फैक्ट की इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था अधूरी है अगर आप कुछ डेटा नहीं देते जैसे कि अगर मैं कृषि क्षेत्र के बारे में आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि कृषि क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत योगदान है पूरे भारत के देश के जीडीपी में और उसमें लगभग दो तिहाई लोग कार्य करते तो आपने डेटा दिया यहां पर अप्रोक्स तो ट्वेंटी और सिक्सटी तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स और जबकि इकोनॉमिक इकोनॉमी में यानी कि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि कृषि क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए कौन कौन से सिद्धांतों का पालन किया जाए जिससे कृषि और तेजी से विकसित हो सके प्रगतिशील हो सके तो दोनों चीजों में अंतर है तो यह अंतर है हमारे अर्थशास्त्र का और अर्थव्यवस्था का तो इट शुड बी रिमेंबर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था की जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी तो देखिए मुख्य रूप से जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी या लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास जितनी भी अधिकांश जनसंख्या थी वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी यानी कि आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत ही कृषि था इसीलिए देखिए हर व्यक्ति किसानी पर निर्भर था कृषि पर निर्भर था और सरकार को राजस्व भी कृषि से ही मिलता था इसीलिए तो देखो कभी नील की खेती करवा रहे हैं ब्रिटिशर्स कभी प्लांटेशन फार्मिंग करवा रहे हैं पौधरोपण वाली कृषि करवा रहे हैं कभी बागवानी करके व्यापारिक फसलों को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो कि ब्रिटिशर्स ने की जैसे कि जमींदारी प्रथा महलवाड़ी प्रथा रैयतवाड़ी प्रथा ये सब क्यों बनाए ये सब कर संग्रहण यानी कि राजस्व के लिए ही बनाए गए तो मुख्य रूप से जो मेन रीजन था लोगों की आजीविका का या फिर राजस्व का वो कृषि ही हुआ करता था लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ निर्माण गतिविधियां भी चालू हो गई थी यानी कि ऐसा नहीं माना कि अधिकांशतः लोग निर्भर थे कृषि पर पर ऐसा नहीं कि औद्योगिक गतिविधियां नहीं थी औद्योगिक गतिविधियां भी चालू हो गई थी जैसे कि ढाका की मलमल ढाका की मलमल पूरा विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी कैसे फेमस थी ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है पर जब बंग भंग नहीं हुआ था यानी कि 1905 जब लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया यानी कि बंगाल विभाजन किया उससे पहले आज का बांग्लादेश जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति बाद पूर्वी पाकिस्तान माना गया वह बंगाल का ही अभिन्न अंग था तो पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश बन चुका है और पश्चिम बंगाल हमारे भारत में है तो वहां पूर्वी बंगाल में दो चीजें बहुत फेमस हुआ करती थी एक तो जूट का व्यवसाय बहुत फेमस था और दूसरा था ढाका की मलमल -मल। मलमल -मल एक सिल्क को कहा जाता है जो बहुत ही महीन कपड़ा था जैसे कि आपने विभिन्न मूवीज में देखा होगा कि राजा महाराजा कुछ ऐसा चमकदार शानदार सा कपड़ा पहनते हैं जैसे कि बाहुबली में देखा होगा आपने कि राजा के जो कपड़े एक शाइनी से कपड़े से बने होते हैं वो होती है मलमल -मल। सिल्क का एक बेटर क्वालिटी फॉर्म होता है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर चार प्रकार की सिल्क यानी कि चार प्रकार की मलमल बना करती थी जिस पर एक यूपीएससी प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी आया है जैसे कि मूंगा टसर ये सब प्रकार की मलमल -मल भारत में बनती थी और ढाका की मलमल -मल तो इतनी ज्यादा महीन और इतनी ज्यादा फाइन क्वालिटी की हुआ करती थी कि व्यापारी कहते थे कि पूरे विश्व में ढाका की मलमल -मल ही एक ऐसी मलमल -मल है जिसे एक अंगूठी के अंदर से निकाला जा सकता है सोचो कपड़े का इतना बड़ा थान वो फोल्ड कर, कर इतनी बारीक और इतनी छोटी हो जाती है कि एक अंगूठी के बीच में से उसे तुम निकाल सकते हो पूरे थान को इतनी ज्यादा शानदार क्वालिटी की मलमल थी और विश्व प्रसिद्ध थी विदेशों से बहुत सारे लोग लेने आया करते थे इसीलिए तो भारत बहुत फेमस हो गया इसीलिए तो विदेशियों की नजर भारत पर पड़ी कि यार इसके पास बहुत पैसा होगा फिर हमें उपनिवेश बनाया गया तो सब लोग कृषि पर निर्भर जरूर थे पर जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुए थे वो बहुत प्रसिद्ध थे जैसे कि ढांगा की मलवल तो इसीलिए इंग्लैंड भारत इंग्लैंड को इस प्रकार के कई वस्तुओं की पूर्ति करता था और तैयार माल का आयात भी था मतलब थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने एक बुक शायद एक बुक का नाम पढ़ा हो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक का नाम क्या था द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी किताब पता है किसी को एग्जाम में पूछा गया है में अनब्रिटिश इंडिया या रूल इन इंडिया ये बुक लिखी थी हमारे द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने और दादा भाई नौरोजी ने जो कि नरम दल से संबंधित थे उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे बोलते हैं धन का निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ ऑफ ड्रेन वेल्थ कैसे गई या भैया हमारा पूरा का पूरा पैसा संपदा संपत्ति कैसे भारत से बाहर गई तो इसमें इन्होंने बताया था कि अंग्रेज क्या करते हैं सबसे पहले हमारे बेहतर क्वालिटी के कच्चे माल को खरीद कर ले जाते हैं फिर ये कच्चा माल वो अपने इंग्लैंड यूरोप की उद्योगों के अंदर रखते हैं वहां पर कई कारीगरों को इससे काम मिलता है मतलब वहां रोजगार मिलता है और फिर वहां से जब फिनिश्ड गुड यानी कि बना बनाया माल आ जाता है तो उसे फिर वो इंडिया में वापस भेजते हैं जिस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो सरकार की दो बार कमाई हो गई एक तो कच्चा माल बेचने में कमाई हो गई दोबारा फिर जो तैयार माल आया उसमें टैक्स लगा के कमाई हो गई तो इससे क्या हुआ भारत का कच्चा माल जब गया तो यूरोपियन लोगों को रोजगार मिला ना कि भारतीयों को तो भारतीय गरीब के गरीब ही रहे और यूरोपियन फेमस होने लग गए पैसे वाले होने लग गए तो इस तरीके से चीजें हुई तो पैसा भारत से जो था धीरे धीरे निकल गया और इसी को ही बोलते हैं द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ तो इस तरीके से भारत एक तो वस्तुओं का आयात भी कर रहा है तो फिर घाटे में जाएगा ही जाएगा और दूसरा कच्चे माल की पूर्ति भी कर रहा है तो रोजगार भी छिन गया तो इस थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से भारत अंदर से कमजोर हो गया अंदर से असमृद्ध होने लगा मतलब माली हालत हमारी बिगड़ने लग गई फिर 20वीं सदी के शुरुआत में तो राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर दो प्रतिशत से भी कम रह गई थी तथा तो प्रति व्यक्ति उत्पाद आय पॉइंट फाइव परसेंट ही थी यानी कि देश का जो पैसा बढ़ रहा था राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही थी वह दो प्रतिशत से भी कम थी यानी कि आज भारत के पास अगर सौ करोड़ रुपया है तो अगली साल सिर्फ एक सौ दो करोड़ ही होगा और प्रति व्यक्ति आय यानी कि लोगों की इनकम तो सिर्फ और सिर्फ आधे प्रतिशत से बढ़ रही थी जबकि महंगाई दस बीस गुना बढ़ जाया करती थी तो ये कई समस्याएं उत्पन्न हो गई क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती थी अंग्रेज टैक्स वैक्स लगाकर हर चीज को दुगना तिगुना महंगा कर देते थे और आपकी इनकम सिर्फ आधा प्रतिशत बढ़ रही है तो लोग और गरीब होने लग गए तो ये सारी चीजें यहां पर होने लग गई थी तो सबसे पहले अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो लगभग पिचासी प्रतिशत जनसंख्या स्वतंत्रता तो प्राप्ति से पहले कृषि में लगी हुई थी जो कि गांवों में बसती थी और इसी से वो अपनी रोटी रोजी रोटी कमा रहे थे जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र क्या था गतिहीन विकास दिखा रहा था क्यों गतिहीन विकास हो रहा था तो उसका रीजन है गतिहीन विकास का कि आप बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे ब्रिटिशर्स का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था कभी दुगना लगान कभी तिगना लगान कभी सूखा पड़ गया तो भी लगान कभी जमींदारी प्रथा में जमींदार शोषण कर रहा है तो कभी महलवाड़ी और रैयत प्रथाओं में शोषण हो रहा है तो इसीलिए जब तुम इतना शोषण करोगे तो खेती बाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी किसानों के मरने तक की नौबत आ गई और कई कई बार तो ऐसा होता था कि भैया किसान कर्जे में डूबा डूबा मर गया तो फिर उसके बेटे को भी कर्जे में डूबना पड़ता था मतलब बेगारी तो ट्रेंड बन गया था कि कोई भी कभी भी किसी का भी शोषण कर ले और बहुत ही ज्यादा बेगार करवाया करते थे तो ये सारी चीजें थी और इसीलिए कृषि क्षेत्र का प्रसार जरूर हुआ था कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई परंतु कृषि उत्पादकता कम आती होती गई मतलब समझो इसका कि ब्रिटिशर्स ने देखो बहुत सारी जमीनों को पट्टे वट्टे दे दाकर क्या कर दिया था कृषि बड़े लेवल पर चालू करवा दी क्योंकि तो व्यापारिक कृषि करने लग गए पहले हमारे भारत में जो कृषि होती थी वो थी निर्वाह कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है निर्वाह कृषि निर्वाह कृषि का मतलब है केवल इतनी खेती बाड़ी जो सिर्फ अपने खाने के लिए रोजी रोटी कमा सके यानि कि हमें सिर्फ और सिर्फ उतनी ही फसलों का उत्पादन करना था जितनी फसलों से हमारा सिर्फ कार्य चल सके जैसे कि अगर हमारे घर में पर मंथ पचास किलो अनाज खत्म होता है तो बस इतना उग जाए कि पचास किलो अनाज उगा लें मतलब बेचना नहीं अनाज को केवल अपने ही काम में लेना है तो वो कृषि होती है निर्वाहक कृषि बट जब हम बड़े लेवल पर खेती करते हैं फसलों को मार्केट में बेचते भी हैं तो उसे बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि तो वाणिज्यिक और व्यापारिक कृषि भी हो रही थी क्योंकि गन्ने की फसल नील की खेती मसालों की खेती ये सब चीजें अंग्रेजों ने ही चाली करवाई थी चाय की खेती कहवा कॉफ़ी की खेती ये सब अंग्रेजों ने चालू करवाई थी तो अब कृषि का प्रसार तो हो गया था बहुत बड़े लेवल पर कृषि हो गई परंतु कृषि उत्पादक नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि तो उस टाइम पर कोई ज़्यादा रसायन फर्टिलाइजर्स ये सब चलते नहीं थे सिंचाई के साधन भी सीमित थे ऊपर से किसान का शोषण भी बहुत हो रहा था जब किसान ही खुश नहीं होगा तो उसके बैल भी खुश नहीं होंगे क्योंकि तो किसान के पास ही पैसा नहीं है तो बैल को खिलाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा तो ज्यादा उत्पादक कृषि हो ही नहीं पाती थी यानी कि प्रति हेक्टेयर कितनी फसल उत्पादित होती है वह गिर गया था तो कृषि बड़े एरिया पर तो होने लग गई पर प्रति हेक्टेयर जितनी फसल उगनी चाहिए थी उतनी नहीं उग पा रही थी तो धीरे धीरे हमारी जमीनें भी बंजर हो गई क्योंकि अब आप नील की खेती करोगे तो खाने को तो नील देगी नहीं आपको केवल बेच ही सकते हो अब बेचोगे भी कैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी तो फिर वहां पर भी शोषण होने लग गया तो हर जगह शोषण बढ़ता जा रहा था तो किस कारणवश मुख्य परीक्षा का प्रश्न बन सकता है बच्चों यहां पर कि स्वतंत्रता पूर्व ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न बन सकता है स्वतंत्रता पूर्व किन कारणों की वजह से भारतीय कृषि क्षेत्र में गतिहीनता देखी गई क्या रीजन था जिसकी वजह से भारतीय कृषि क्षेत्र में गतिहीनता रही स्वतंत्रता से पहले तो पहला रीजन भू व्यवस्था की प्रणालियां, जैसे कि भू व्यवस्था की प्रणाली आप जानते ही हो कौन कौन सी होगी जमींदारी प्रथा जिसने बहुत शोषण किया खासकर उत्तर भारत में दूसरी प्रथा जिसने शोषण किया वो था महलवाड़ी और तीसरी प्रथा तो आप जानते ही हो रैयतवाड़ी कमेंट में लिखकर बताओ रैयतवाड़ी प्रथा किसने चालू की थी बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है तो ये प्रणालियां बहुत शोषणकारी थी जैसे जमींदारी प्रथा को ही ले लो जमींदारी प्रथा में जमीन दे दी जाती थी जमींदारों को और ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमें तो बस साल का पैसा दे दो अब कैसे भी दो तो यहां जमींदार और शोषणकारी हो गया कि कई कई बार तो जैसे कि 10 परसेंट ही टैक्स मांगा ब्रिटिशर्स ने जमींदार पंद्रह बीस परसेंट शोषण करने लग गए तो ऐसे शोषण बढ़ता गया जमींदारों का दूसरा कारण राज्य व्यवस्था शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा तो दूसरा रीजन था कि राज्य व्यवस्था की शर्तें जैसे मूवी देखिए अपने लगान लगान में कोई गलती से कोई भी आपके जनरल आ जाता है अटर्नी जनरल आ जाता है तो वो अपनी अपनी चलाता है घूसखोर है खासकर ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारी बहुत ही रिश्वतखोर हो गए थे ब्रिटेन के अंदर एक कहावत हो गई थी कि अगर कोई भी पांच साल भारत में जाकर वॉयस रॉय बनकर या कोई अधिकारी के पद पर काम कर आता है तो यूरोप में वह अगले सौ सालों तक बिना काम किए भी खा सकता है मतलब इतना पैसा लेकर आएगा वो पांच सालों में भारत से लूट कर कि अगले सौ साल खत्म नहीं होगा वो तो इसीलिए बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी में और इसी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई राज व्यवस्था की शर्तों को इन्होंने टाइट कर दिया और शोषण हुआ किसका बिचारे भारतीय किसानों का तीसरा रीजन जिस वजह से गतिहीनता रही वो थी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर जहां सत्रहवीं शताब्दी में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति और, और पुनर्जागरण चालू हो जाते हैं वहीं 19वीं शताब्दी छोड़ो 20वीं शताब्दी के अंदर भी भारत में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक प्रौद्योगिकियों का स्तर नहीं था अब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप अंदाजे से ही खेती करोगे अगर आप अंदाजे से खेती करोगे तो फिर डेफिनेटली उत्पादन का स्तर और कम हो जाएगा तो प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर की वजह से सिंचाई सुविधाओं के अभाव की वजह से और उर्वरकों के नगण्य प्रयोग की वजह से भी कृषि उत्पादकता कम रही टेक्नोलॉजी थी नहीं सिंचाई सुविधा थी नहीं उर्वरकों का यूज हम करते नहीं थे तो इन सभी कारणों की वजह से कृषि में गतिहीनता का माहौल रहा तो ये वो कारण है जिसकी वजह से भारत में गतिहीनता रहती है तो इट शुड बी रिमेंबर तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और भी कई समस्याएं हमें यहां देखनी पड़ी जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया वो कैश क्रॉप्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे कैश क्रॉप्स और इसमें भी विशेषता है कौन सी कैश क्रॉप चाय कॉफी जूट गन्ना ये सब क्या थी नगदी फसल थी क्योंकि इसमें व्यापार करना बहुत आसान था क्योंकि ये वो समय था जब भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी यानी कि बार्टर सिस्टम चलता था कि एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो पैसों का ज्यादा चलन नहीं था इतना नहीं था जितना बाद में हो गया तो इसीलिए कुछ फसलें जिनमें फटाफट कभी भी बेच के जाओ हाथ हात कैश रुपया मिलेगा एक दिन का भी डिले नहीं होगा तो किसानों को भी लगा कि यार ये तो अच्छी बात है कि पैसों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा हाथों हाथ पैसा हाथ में आ जाएगा हमारे अच्छी बात है और अंग्रेज भी फटाफट पैसा देते थे क्योंकि गन्ना चाय कॉफी इनकी बहुत डिमांड थी खासकर हमारी चाय की और चीन की चाय की तो विश्व में बहुत डिमांड थी लोगों को पता भी नहीं था कि चाय क्या होती है पर ये कॉन्सेप्ट चाय का चीन से आया और फिर भारत में भी बहुत फेमस हो गया खासकर असम के बागानों में माना कि असम के बागानों में मजदूरों का बहुत शोषण हुआ परंतु चाय का बहुत निर्यात हुआ जो आज तक हो रहा है इवन आप सभी लोग जो भी चाय पी रहे हो ना भी हाँ राजस्थान में या उत्तर भारत में वो सब बहुत ही घटिया क्वालिटी की चाय पी रहे हो अच्छी क्वालिटी की चाय तो आज भी भारत से निर्यात हो जाती है हम सभी लोग जो भी चाय पी रहे हैं वो बेटर क्वालिटी की नहीं है क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की चाय होती है वो निर्यात कर दी जाती है क्योंकि उससे हमें बहुत पैसा मिलता है और जो घटिया क्वालिटी की चाय होती है वो भारत में बेची जाती है लोगों को तो ये एक रीजन है तो ये नगदी फसल की उच्च उत्पादकता पर ध्यान तो दिया बट एक गड़बड़ कर दी इन्होंने यहां पर कि आप नगदी फसलों को ज्यादा उगाओगे वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो मिट्टी की उर्वरकता है वो कम हो जाती है तो इसीलिए नगदी फसलों की उच्च उत्पादकता पर ध्यान दिया गया उच्च उत्पादकता का लाभ भारतीय किसानों को मिल नहीं पाता था क्योंकि तो अगर नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता भी है अच्छी पैदा हो रही है नकदी फसलें तो भी फिर लूट ले जाते थे जमींदार या फिर वॉयस रॉय या फिर ब्रिटिशर्स तो हमारे बेचारे किसान अभी भी परेशान हो रहे थे अब देखो मजबूरी में नकदी फसल उगा तो ली किसान ने ना उसको पैसा मिला और खाने के लिए अब अनाज भी नहीं है तो भूखा मरने लग गया तो ये नौबत आ गई कि किसानों को तो खुद अच्छी अच्छी नकदी फसल उगाने के बावजूद भूखा मरना पड़ रहा है तो एक समस्या हो गई फिर धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार होने चालू हुए पर भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ था चलो सिंचाई के लिए कुछ सोचा और कुछ कार्य करने की कोशिश बिल्कुल की गई पर फिर भी जो सबसे बड़ी समस्या रही वो ये थी कि बाढ़ आ जाती थी जैसे कि बिहार का उदाहरण ले लो बिहार में आपने नाम सुना होगा एक नदी है कोसी नदी और कोसी नदी क्या है अपना अपवाह क्षेत्र बदलती रहती है मतलब जहां से कोसी बहती है वो आज यहां से बह रही है तो कल को एक आध किलोमीटर आगे पीछे से बह सकती है और इस वजह से बाढ़ बहुत आती है इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं द सौरव ऑफ बिहार तो कोसी रिवर जैसी कई नदियां हैं हमारे भारत में और खासकर उत्तर भारत में तो गंगा अपवाह क्षेत्र और नदियां रहेंगी ही रहेंगी क्योंकि देखो दक्षिण भारत में क्या है नवियों नदियों के प्रवाह क्षेत्र सीधे सीधे हैं बदलते नहीं हैं क्यों नहीं बदलते ज्योग्राफी में पढ़ना क्योंकि दक्षिण भारत क्या है हमारा पठारी भूभाग है जिसे बोलते हैं दक्कन का पठार और ये दक्कन का पठार बहुत पुराना है यह गोडवाना लैंड का भाग है जहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ फिर यह बना पूरा का पूरा दक्कन का पटन बहुत पुराना है तो स्थिर अपवाह क्षेत्र है ज्यादा बदलाव नहीं होते पर हमारा उत्तर भारत है टर्शरी युग का और यह है गोडवाना लैंड ही यानी कि जो हमारा गोडवाना लैंड है वो यूरेशियन प्लेट से मिलने की वजह से बना है तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हिमालय भी यंग फोल्ड माउंटेन है और नदियां भी ऐसी हैं जो अपना कोर्स बदलती रहती हैं, क्योंकि सभी यंग स्टेज वाली नदियां हैं तरुण नदियां हैं तो इस वजह से प्रवाह क्षेत्र बदल जाता है और बाढ़ आ जाती है तो अब बाढ़ तो आ गई तो अब ऑब्वियसली इसे कंट्रोल करने के लिए भारत बहुत पिछड़ा हुआ है भूमि का उपजाऊ उपयोग ढंग से नहीं हो पा रहा है इसलिए भी कृषि क्षेत्र पिछड़ा रहा साथ ही साथ काश्तकार काश्तकार समझते हो क्या होता है किसी को पता हो तो बताओ भैया काश्तकार क्या होता है तो देखो काश्तकार की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि जमीन किसी और के नाम होती थी उस पर खेती बाड़ी कोई और करता था जैसे कि मान लो अंग्रेज ने किसी जमींदार को 50 बीघा खेत दे दिया अब 50 बीघा खेत पर जो जमींदार है वह खुद तो खेती नहीं कर सकता तो वो कुछ लोगों को खेती करने के लिए रख देता था कि चलो तुम खेती बाड़ी करो और कुछ हिस्सा मुझे दे देना बाकी आप राजस्व में दे देना और खुद कर लेना मतलब खेती करने का बस केवल जमींदार का काम होता था फसल की उगाई करना और फिर उसको मार्केट में बेचना और राजस्व देना ये काम जमींदार के थे बाकी मेन जो किसान था वो काश्तकारी था तो खासकर ऐसे बहुत सारे काश्तकार थे अब काश्तकारों को धीरे धीरे कुछ जमीनें मिल गई या फिर कुछ छूट गई तो अब इसमें क्या है कई बहुत सारे काश्तकार हो गए तो काश्तकार के एक बड़े वर्ग और छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधन ही नहीं थे अब काश्तकार बेचारा कोई पैसे वाला जमींदार तो है नहीं कल को उसको कहा जाए कि भाई तू खेत के अंदर अच्छी फसल उगाना तो तुझे पैसा ज्यादा मिलेगा काश्तकार जानता है कि फसल अच्छी उगेगी तब जब मैं अच्छे संसाधन डालूंगा क्योंकि रियल किसान तो काश्तकार है जमींदार को कोई खेती बाड़ी करना थोड़ी आता है अब काश्तकार चाहता है कि भाई मेरी फसल अच्छी होगी तो पैसा लगाना पड़ेगा अब पैसा है नहीं कि काश्तकार के पास में क्योंकि काश्तकार तो खुद जमींदार के अंडर में काम कर रहे हैं और जमींदार को तो लगता है कि ठीक है जैसे काम चल रहा है चलने दो तो इस वजह से कृषि क्षेत्र आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि जो असलियत में जो किसान था वो किसान का मालिक ही नहीं था तो निवेश की कमी हो गई तो ना वो तकनीकी यंत्र यूज कर पाया ना ही कोई वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर पाया तो इस वजह से कृषि क्षेत्र हमारा पीछे रह गया तो ये सारे कारण है बच्चे कृषि क्षेत्र की गतिहीनता के तो ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व किन कारणों के कारण कृषि क्षेत्र गतिहीन बना रहा तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो अब आ जाते हैं दूसरे औद्योगिक क्षेत्र पर हमारे पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं एक होता है कृषि क्षेत्र जहां प्राकृतिक उत्पादों का विकास किया जाता है जैसे कि खेतीबाड़ी कृषि और संबंधित चीजें दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र जहां प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण कर कर उद्योगों में कार्य किया जाता है तो इसे बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र जो कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है जैसे परिवहन इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए और द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं के लिए तो सर्विस सेक्टर तीसरा क्षेत्र हो जाता है वहीं पर आजकल चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र की बात भी की जा रही है चतुर्थक क्षेत्र जो होता है वह होता है नॉलेज बेस्ड सेक्टर जैसे कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो यह नॉलेज बेस्ड सेक्टर है तो यह चतुर्थक क्षेत्र में आएगा और पंचम क्षेत्र के अंदर आता है डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्धारण तो वह पंचम क्षेत्र का भाग होता है पर देखिए स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में कोई सेवा सेक्टर डेवलप था ही नहीं क्योंकि सेवाओं का कोई ऐसे आयात निर्यात नहीं था मुख्य रूप से स्वतंत्रता से पहले केवल दो ही क्षेत्र थे एक था कृषि क्षेत्र और दूसरा था औद्योगिक क्षेत्र तो हमारा भारत माना जाता था पूरे विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प के लिए आज भी आप देख लीजिए मुगलों के समय के ब्रिटिशर्स के समय के कई शानदार भवन और उन भवनों पर नक्काशी की जाती है अब आप सोचोगे कि यार आजकल के टाइम में घर बनाना मुश्किल है पर मैं कहूंगा कि भैया मुगलों के टाइम में घर बनाना बहुत मुश्किल था आजकल का घर बनाना तो फिर भी आसान है लो हमें कहो कि सात महीने के अंदर तीन मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करनी है छह सात महीने में यूं खड़ी हो जाती है बिल्डिंग आजकल पर पहले तो एक दीवार पर भी नक्काशी करने में लोग महीनों लगा लिए करते थे इतनी बारीक और इतनी शानदार नक्काशी की जाती थी कि लोग महीनों तक छैनी हथौड़े से काम कर करके शानदार नक्काशी किया करते थे जिसे आज आप मशीनों से भी नहीं कर सकते तो इवन राजा महाराजाओं के घरों की तो यह हालत थी कि हमेशा लोग कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे आजीवन लोगों का काम ही यही था कि कभी घर के गेट की नक्काशी करने लग गए कभी छत की नक्काशी करने लग गए कभी ये पेंटिंग कभी वो पेंटिंग मतलब राजा के घर में ये घर बनाने का काम उनके पूरे बारह महीनों का था तो बहुत शानदार हस्तशिल्प उद्योग था हमारा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था इवन आप देख सकते हो काली बंगा और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ही हमारा हस्तशिल्प फेमस रहा है इवन आज भी कई ऐसे भवन हैं जिसे देखकर आप अचरज में रह जाओ कि अरे बन कैसे क्या तो इतना शानदार हस्तशिल्प उद्योग हुआ करता था बट अंग्रेजों ने आकर इस हस्तशिल्प उद्योग को तहस नहस कर दिया क्योंकि तो अंग्रेज जानते थे कि अगर हम हस्तशिल्प उद्योग को तहस नहस नहीं करेंगे तो राजवंशों को उखाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि तो यही हस्तशिल्प उद्योग हमारे भारत में आत्मनिर्भरता दे रहे थे यानी कि जिस जिस क्षेत्र में जो जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें वहां रोजगार मिल रहा था तो शहरों की तरफ भागने की कोई आवश्यकता थी नहीं पर सबसे पहले अंग्रेजों ने आकर इन्हीं हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बाद किया लोगों को बेरोजगार किया फिर वो बेरोजगार हो गए तो फिर उसके बाद में इन्होंने राज किया तो इसीलिए भारत में वी औद्योगिकीकरण किया गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हुआ वी औद्योगिकीकरण हुआ है ना तो वी औद्योगिकीकरण होने लग गया ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो क्यों कर रहे थे वी औद्योगिकीकरण बहुत चालू थे अंग्रेज अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत का औद्योगिकरण करता रहेगा तो भारत आगे निकल जाएगा क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर अंग्रेजों को आगे बढ़ना है तो उन्हें दो काम करने पड़ेंगे एक तो खुद आगे बढ़े और दूसरा अगले को पीछे धकेलो भारत जो पहले विश्वगुरु कहलाता था उसमें वि औद्योगिकरण किया गया क्योंकि तो यहां इंग्लैंड विकसित हो रहा था और आधुनिक उद्योग स्थापित कर रहा था तो अगर भारत में उद्योग पनपते रहे ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो वो कच्चे माल को ये उद्योग यूज कर लेंगे अब कच्चे माल को अगर भारतीय उद्योग यूज करने लग गए तो कच्चा माल इंग्लैंड जा ही नहीं पाएगा और अगर कच्चा माल इंग्लैंड नहीं जा पाया तो ना पैसों का फायदा ना उद्योगिकरण का फायदा तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले भारत के उद्योग खत्म करो ताकि कच्चा माल यहां पर यूज ही ना आए तो झक मारकर उनको इंग्लैंड बेचना पड़ेगा और फिर हम अपने उद्योगों को आगे बढ़ा लेंगे दूसरा उद्योगों के उत्पादन के लिए भी भारत को ही एक विशेष बाजार बनाना था क्योंकि कल को जो पक्का माल तैयार माल बेचेंगे वो भी इंडिया में ही ये लोग बेचेंगे क्योंकि उद्योग इंडिया के बंद है तो आप कहीं ना कहीं से तो माल लेंगे तो कपड़ा भी खरीदना होगा तो फिर वो विदेशी ही पहनेंगे तो ये एक मजबूरी हो गई तो इस वजह से इन्होंने पूरे उद्योगों को खत्म कर दिया हमारे पर जैसे ही उन्नीसवी शताब्दी आती है तो उसके बाद फिर कुछ आधुनिक उद्योग स्थापित होने लग गए जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग पटसन उद्योग ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे पर उन उद्योगों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा तब ये आगे बढ़ पाए तो इस तरीके से चीजें हो रही थी अब 19वीं शताब्दी से औद्योगिकरण चालू हो रहा है पर पूंजीगत उद्योगों का अभाव यहां सदैव बना रहा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पूंजीगत उद्योगों में हम पैसा नहीं लगा सकते थे क्योंकि पूंजीगत तो उद्योग वो उद्योग होते हैं जहां बहुत ही ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है पैसा लगाने की आवश्यकता होती है अब पूंजी है नहीं हमारे पास पैसा लगाए तो कहां से लगाए क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो अंग्रेजों ने बिल्कुल निचोड़ कर रख लिया था हमें बिल्कुल गरीब बना दिया था हमें तो इसीलिए पूंजीगत तो उद्योगों का अभाव था तो किसी भी ऐसे उद्योग को भारत नहीं डेवलप कर पाया स्वतंत्रता से पहले जहां पैसा लगाना हो जैसे कि सब देखो आप टाटा स्टील इंडस्ट्री ये सब स्वतंत्रता के बाद ही स्टार्ट हुई है पहले कोई बड़े लेवल पर चीजें नहीं हो पाई क्योंकि तो ध्यान रखिएगा पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं जो उद्योग मशीनों से लगते हैं जिनमें बहुत पैसा खर्च होता है जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं वो होते हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीगत उद्योग जो कि हम नहीं बना पा रहे थे इवन जो नए नए उद्योग हमारे पैदा हुए थे उनकी वृद्धि दर भी बहुत ही कम थी और देश की जीडीपी में भी योगदान नगण्य था बहुत ही कम था यहाँ पर सरकारी क्षेत्र बहुत ही कम रहा क्योंकि अंग्रेज जो थे वो केवल अपना फायदा ढूंढ रहे थे और कहीं ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे वास्तव में जो सार्वजनिक क्षेत्र रहा था वो केवल रेलों तक निर्भित था क्योंकि तो रेल अंग्रेजों को चाहिए थी क्योंकि तो अंग्रेजों को कच्चा माल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजना था तो रेलों की आवश्यकता थी बिजली बना रहे थे वो बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही यहां औद्योगिक क्षेत्र कार्य कर रहा था इसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र ने कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जिससे देश का विकास हो तो आगे कुछ और महत्वपूर्ण पहलू समझेंगे इस चैप्टर के बट आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों अनकेडमी पर नया बैच आ चुका है कंप्लीट बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस जिसे आप एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो याद रखिएगा कि एक साल की फीस है एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में नाइनटी सेवन थाउजेंड और दो साल की है हमारे यहां पर सेवेंटी थाउजेंड तो इस तरीके से आप वन ईयर या टू ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो चाहे प्लस कोर्स लो या इकोनिक सब्सक्रिप्शन लो या ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लो सभी में एस एस लाइव रेफरल कोड काम करेगा और सुपर हंड्रेड बैच को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो जो कि प्रिलिम्स के लिए शोर शॉर्ट सिलेक्शन दिलवाता है तो एस एस लाइव रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिएगा वह भी बिना किसी स्पेस के और ध्यान रखिएगा अनकेडमी ने नवंबर एक्सटेंशन ऑफर भी दिया है यानी कि अगर तुम दो नौ महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दो महीने का सब्सक्रिप्शन एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ आपको फ्री मिलेगा एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तीन महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अठारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो छह महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ सी एस सी एश्योर आपको मिलेगा ये ऑफर एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ सिर्फ 15 नवंबर तक वैलिड है यानी कि 15 नवंबर तक अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो एस एस लाइव रेफरल कोड को यूज करने की वजह से आपको कुछ महीने फ्री मिलेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आप नौ महीने में साल भर का सब्सक्रिप्शन भी अभी ले पाओगे तो इट शुड बी रिमेंबर नया बैच चालू हो गया है दस नवंबर से साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सीसेट आपकी सफलता में बाधा है सी सेट की वजह से आप फेल हो रहे हो तो सी सेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ नौ हजार रुपए में एस एस लाइव रेफरल कोड को यूज करो और सिर्फ नौ हजार रुपए में आप सी सेट के बैच को ज्वाइन कर पाओगे तो इट शुड बी रिमेंबर ओके गाइस और ध्यान रखिएगा जीरो परसेंटेज ई भी अवेलेबल है यानी कि बिना किसी ब्याज के आप मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो इट शुड बी रिमेंबर तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा विदेशी व्यापार में इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आपको यह लगे कि यार विदेशी व्यापार तो अब चालू हुआ है तो गलत बात है इवन जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी तब भी हमारे विदेशी व्यापार हुआ करते थे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो ये बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि तो वास्को डिगावा ने भारत का रूट खोज लिया था और अब विदेशों से हमारे संबंध बढ़ गए थे फ्रांस जैसे देश ऐसे थे जो कि अपनी नौवहन क्षमता को नित्य बढ़ाए जा रहे थे डेली बढ़ा रहे थे और उपनिवेश आए भी इसीलिए औपनिवेशीकरण हुआ भी इसीलिए क्योंकि विदेशी व्यापार बढ़ते जा रहे थे औपनिवेशिक संस्थाएं भी इसीलिए बन रही थी तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर औपनिवेशिक सरकार ने वस्तु उत्पादन व्यापार और सीमा शुल्क की प्रबंधकारी प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना स्वरूप और आकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला यानी कि अंग्रेजों ने विदेशियों के साथ में कुछ ऐसे नियम बना दिए जिससे वस्तु उत्पादन फिक्स हो गया व्यापार और सीमा शुल्क फिक्स हो गया जिससे हम रेस्ट्रिक्टेड हो गए कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से ही व्यापार कर सकते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी जहांगीर के दरबार में अब वो कंट्रोल करने लग गई इवन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे नियम बना दिए कि फ्रांस और डच लोगों के साथ में भी हमारा व्यापार अलाभकारी हो गया इसीलिए आप देखो फ्रेंच कंपनियां ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रही थी डच कंपनियां भी कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गई तो इसीलिए ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे नियम कानून थे विदेशी व्यापार को लेकर जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा हो पहुंचा रहे थे बाकी देशों के साथ हमारे विदेशी व्यापार को लगभग समाप्त कर दिया यहीं पर कच्चा माल रेशम कपास ऊन, चीनी नील पटसन इत्यादि के हम निर्यातक होकर रह गए और आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था इंग्लैंड के अलावा कहीं और व्यापार हो ही नहीं पा रहा था 50% परसेंट से ज्यादा विदेशी व्यापार इंग्लैंड तक सीमित था बस कुछ व्यापार चीन श्रीलंका ईरान से भी हो रहा था जो कि इंग्लैंड के काम का नहीं था वो चीन श्रीलंका और ईरान से हो रहा था बस इवन यहां पर आपने स्वेज नहर जरूर सुना होगा स्वेज नहर व्यापार मार्ग खुल चुका था और स्वेज नहर की वजह से ही ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमारे व्यापार पर और सख्त हो गया क्यों हो गया वो सुन लो तो देखो ये रहा हमारा अरब सागर ये है मेरा प्यारा भारत ठीक है ये रहा अरब सागर तो यहां पर एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं स्वेज नहर पहले क्या होता था ब्रिटिशर्स ऐसे अंध महासागर और अफ्रीका से घूम घूम कर यहां पहुंचे थे वास्को डिगामा भी ऐसे घूमकर आया था भारत की तरफ पर जैसे ही यह स्वेज नहर खुलती है तो यहां से सीधे आ जाते हैं इवन जब ब्रिटिश सेना को या ब्रिटिश व्यक्तियों को भारत आने में पहले रूट से जो टाइम लगता था वो लगभग डेढ़ महीने का हुआ करता था क्योंकि ज्यादा मशीनें थी नहीं जहाज वगैरह लगभग डेढ़ महीने के अंदर यहां पर आ पाते थे पर जैसे ही स्वेज नहर खुली तो सिर्फ कुछ ही सप्ताह में एक दो सप्ताह के अंदर ये आ गए तो कल को कोई भी गड़बड़ होती थी भारत में तो फटाफट एक दो सप्ताह के अंदर ही ब्रिटिशर्स की सेना आ जाती थी और उसे कंट्रोल कर लेती थी तो एक तरीके से जैसे ही ये वाली स्वेज नहर खुलती है ये वाली स्वेज नहर खुलती है तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भारत के व्यापार पर बहुत बहुत ज्यादा हो गया तो यह एक समस्या हो गई तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता थी निर्यात अधिशेष होना कि हम सिर्फ निर्यात ही निर्यात ज्यादा करते थे और आयात नहीं करते थे क्योंकि अब देखो हमेशा निर्यात अच्छा भी नहीं होता क्योंकि एक ऐसा निर्यात जो भारतीय लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है वह निसंदेह ही खराब होगा तो यह एक समस्या थी कि हमारे देश में रोजगार हो नहीं रहा और फिर भी हम निर्यात अधिशेष बने हुए हैं और वो जो पैसा बच रहा है वो भी हमारी जेब में नहीं जा रहा ब्रिटिशर्स लेकर भाग रहे हैं तो ये एक समस्या थी हमारे पास में तो ये एक चीजें थी जो कि विदेशी व्यापार इसी तरीके से स्वतंत्रता से पहले हमारी जनसंख्या की स्थिति भी खराब थी तो सबसे पहले हमारी जनगणना कब चालू हुई उन्नीस में पहला सक्सेसफुल और व्यवस्थित पहली जनगणना उन्नीस में चालू हुई थी यह प्रेडेंस में पूछा जा चुका है ठीक है और 1921 से पहले जननांक के संक्रमण के प्रथम सोपान में भारत था यानी कि धीरे धीरे जनसंख्या परिवर्तित हो रही थी 1921 से पहले तक फिर दूसरी स्टेज आई 1921 के बाद तक किंतु उस समय तक न तो जनसंख्या बहुत ज्यादा थी न ही समृद्धि दर क्योंकि 1921 के आसपास का टाइम बहुत सारी बीमारियों अकाल इत्यादि का था स्वास्थ्य सेवाएं यहां बेहतर थी नहीं इसीलिए बहुत सारे लोग मर रहे थे मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी इसीलिए भारत की जनसंख्या 1947 से पहले इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी सामाजिक विकास तो मान लो था ही नहीं कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं होता था कुछ हमारे समाज सुधारक सुधार कर जरूर रहे थे पर उनका प्रभाव सीमित था साक्षरता दर तो भैया बहुत ही बकवास थी हमारी हमारी कुल मिलाकर साक्षरता दर 16 प्रतिशत से भी कम थी और महिला साक्षरता तो नए के बराबर थी केवल 7 परसेंट तो सोचो भारत के 100 प्रतिशत में से सिर्फ 16 प्रतिशत लोग ही ऐसे थे जो कि पढ़ लिख सकते थे और महिलाएं तो केवल सात परसेंट यानी कि सब जगह निरक्षरता ही निरक्षरता थी और अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो भूल जाओ तो अधिकांशतः लोगों को तो हॉस्पिटल का नाम तक नहीं पता था अधिकांशतः लोग जन स्वास्थ्य सेवाओं से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी बहुत ज्यादा अभाव था इनका और इसी वजह से जो बच्चे थे वो एक साल की उम्र से पहले ही बहुत ज्यादा मर जाते थे इसीलिए शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी इवन आप कह सकते हो कि 218 बच्चे हर हजार बच्चों में से हर जन्म लेने वाले हजार बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे थे जो कि एक साल की उम्र से पहले पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे जो आज आप देख रहे हो झुग्गी झोपड़ियां गंदी बस्तियां स्लम एरिया वो पूरे भारत का हाल हुआ करता था उस वक्त इसीलिए तो तब कहते थे कि भारत तो गरीबों का देश है क्योंकि सोच के देखो आज आपके घर के आसपास अगर झुग्गी झोपड़ियां हो तो तुम्हें गंदा लगता है स्लम एरिया हो गंदी बस्तियां हो तो तुम्हें बुरा लगता है पर जब पूरे भारत देश में यह हाल हो तो फिर कितनी गरीबी थी तो ये एक समस्या है इवन हमारी जीवन प्रत्याशा केवल चवालीस वर्ष थी यानी कि औस्तन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ चवालीस साल ही जिया करता था तो इतनी बुरी स्थितियां थी जननाक की परिस्थितियों में तो इट शुड बी रिमेंबर अब थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि व्यवसायिक संरचना क्या थी उस वक्त तो ध्यान रखिएगा लगभग पिचहत्तर प्रतिशत जनसंख्या इवन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो पिचासी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी पर लगभग 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या यानी तीन चौथाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विनिर्माण में केवल और केवल 10 परसेंट लोग ही कार्य करते थे यानी औद्योगिक क्षेत्र में केवल 10 परसेंट लोग और सेवा क्षेत्र में 15 से 20 प्रतिशत लोग कार्य करते थे यानी कि सबसे ज्यादा लोग लगे हैं कृषि में फिर लगे हैं सेवा क्षेत्र में पंद्रह से बीस और औद्योगिक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र में केवल दस लोग ही कार्य करते हैं और खासकर क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि बहुत ज्यादा थी क्षेत्रीय विषमता मतलब कि एक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा आगे है एडवांस है और दूसरा बहुत पिछड़ा हुआ है जैसे कि अगर आप ढाका में जाओगे दिल्ली में जाओगे आगरा में जाओगे या फिर आप मुंबई में जाते हो तो बहुत विकास है वहीं पर आप मुंबई के बगल में किसी गांव में जाओ तो बहुत ज्यादा गरीबी है मतलब अत्यंत विषमताएं कि एक शहर के अंदर तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और एक में ही नहीं है जैसे कि कोलकाता बहुत फेमस था उस वक्त क्योंकि तो बंगाल पैसे वाला क्षेत्र रहा है तो वो बहुत आगे निकल गया था बाकी सब लोग बहुत पीछे थे तो बहुत ज्यादा क्षेत्रीय विषमताएं थी उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि आज के तमिलनाडु कर्नाटक और केरल का भाग है तो मद्रास मुंबई और बंगाल में कार्य बल की कृषि पर निर्भरता कमी हो रही थी क्योंकि मद्रास मुंबई बंगाल ऐसे क्षेत्र थे जो कि डेवलप हो रहे थे जैसे कि आप देख लो सबसे पहले जो अधिकार जताया अंग्रेजों ने वो भी मद्रास बंबई और बंगाल में था तो यहाँ पर कृषि पर निर्भरता कम होगी क्योंकि औद्योगिकीकरण और कई प्रसार हो रहे थे धीरे धीरे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा था इसीलिए पंजाब राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे हुए श्रमिक ज्यादा थे तो देख लो कि उस टाइम पर विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बहुत फेमस हो रहा था बट केवल पंजाब राजस्थान और उड़ीसा ऐसे राज्य थे जहां पर कृषि पर महत्व बढ़ाया जा रहा था इसीलिए देखो आज ये भी ये अविकसित हैं बीमारू राज्यों में आता है राजस्थान तो और उड़ीसा की हालत आपको पता ही है पंजाब हरित क्रांति से पहले वो भी गरीबी था तो अगर ये क्षेत्र भी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर ध्यान देते तो शायद आज आज आगे बढ़े हुए दिखाई देते तो ये सारी समस्या और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारिक संरचना की अवसंरचना की तो स्वतंत्रता से पूर्व देश में रेल पोर्ट जल परिवहन और डांक और तार का विकास हो गया था क्योंकि तो ये सब अंग्रेजों को चाहिए थे ताकि वो भारत को बेहतर कंट्रोल कर सकें उन्होंने कोई भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीयों के विकास के लिए नहीं बनाए थे उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो देश को एक साथ जोड़कर कंट्रोल कर सकें भारत का एकीकरण कर सके ताकि वो नियंत्रण अच्छे से कर पाए तो इसीलिए रेल पोर्ट जल परिवहन बनाया था जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था केवल औपनिवेशिक उद्देश्य के लिए थे यह प्रश्न भी प्रिलिम्स में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कथन था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान आधारिक संरचनाओं का निर्माण जन सुविधाओं की वृद्धि के लिए किया गया था तो ये कथन सही है या गलत है तो यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि औपनिवेशिक आधारिक संरचना का निर्माण औपनिवेशिक नियंत्रण या ब्रिटिश के राज्य को बनाने के लिए किया गया था ना कि जन सुविधाओं या जनता के लिए किया गया था तो 1850 में हुआ रेलों का आरंभ और लोगों को उचित और सांस्कृतिक व्यवधान को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने का अवसर मिला भारतीय कृषि में व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला क्योंकि अब रेलों के चलने के बाद जो कृषि का उत्पादन था जो माल था वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा तो ये सारी चीजें यहां पर होने लग गई साथ ही साथ भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के निर्धनता के स्वरूप भी दिखे क्योंकि गांवों में व्यवसायीकरण होगा नहीं तो अब गांव और ज्यादा गरीब दिखने लग जाएंगे सड़कों तथा जिलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था में आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्ग के विकास पर भी ध्यान दिया गया तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था बट केवल और केवल किसानों के लिए नहीं ब्रिटिशर्स के लिए तो ये सब चीजें हो रहे थे बट जो हमने आंतरिक जलमार्ग बनाए थे भारत के अंदर जो इनलैंड या इंटरनल वाटरवेज बनाए थे वो अलाभकारी रहे इवन उड़ीसा के तट पर यहां पर काफी अलाभकारी रहा और खासकर कंपटीशन भी ये आं, आंतरिक जलमार्ग नहीं कर पाए इवन नहर के सामने जब रेलमार्ग विकसित हो गया तो जलमार्ग लोगों ने छोड़ दिया तो अभी देख लो ना केवल वाटरवेज हम कोलकाता में यूज करते हैं कोलकाता एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें रेल सड़क परिवहन और जलमार्ग तीनों मिल जाएंगे बाकी कहीं से जलमार्ग सक्सेसफुल हुए ही नहीं खासकर यहां पर कई जगह महंगी कार व्यवस्थाएं भी बनाई गई कार भी भारत में इंट्रोड्यूस कर दी अंग्रेजों ने कार क्यों इंट्रोड्यूस की थी भारत में अंग्रेजों ने क्योंकि तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत को कंट्रोल करना है नियंत्रित करना है तो अफसरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा तो कुछ जगह महंगी कार भी भेज दी ताकि फटाफट से कंट्रोल कर सके केवल और केवल डाक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी किसने डलहजी ने जो कि जनता के काम में आ रही थी पर उस टाइम पर डाक व्यवस्था भी अपर्याप्त थी पर डाक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी जो सच्चे अर्थों में जन सामान्य के काम आती हुई नजर आई अदरवाइज कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी डाक के अलावा जो जन सामान्य के लिए देखी गई हो तो इट शुड बी रिमेंबर अब निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का तो बच्चों इस चैप्टर का निष्कर्ष है कि कृषि क्षेत्र में पहले बहुत ही ज्यादा श्रम था अत्यधिक श्रमिक लगे हुए थे कृषि क्षेत्र में तो श्रम अधिशेष था पर श्रम अधिशेष होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम थी क्योंकि प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था गतिहीनता थी उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं था और रही बात औद्योगिक क्षेत्र की तो अब औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण जरूर हो रहा था स्वतंत्रता से पहले विविधीकरण भी हो रहा था क्षमता बढ़ाई जा रही थी और सार्वजनिक निवेश भी करने की कोशिश थी पर सार्वजनिक निवेश की मांग होती रही इतना सार्वजनिक निवेश हो नहीं पाया और क्षमता संवर्धन भी इतना नहीं हो पाया बस कुछ विविधीकरण के कार्य हुए तो ये हालत थी हमारी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता से पहले तो ये कंडीशन है हमारे स्वतंत्रता से पहले तो ध्यान रखिएगा जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो हर समाज को तीन प्रकार के उत्तर देने चाहिए कि एक तो देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जो देश को आगे बढ़ाए दूसरा वस्तु और सेवाएं किस प्रकार से उत्पादित किए जाएं ताकि उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें तो किसका ज्यादा प्रयोग करें मानव श्रम का या मशीनों का तीसरी चीज उत्पादित वस्तु और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच में वितरण कैसा हो ऐसे नहीं कि भैया अमीर और अमीर होता जाए गरीब और गरीब होता जाए तो थोड़ा सा हमें संतुलित वितरण की भी आवश्यकता होनी चाहिए तो इट शुड बी रिमेंबर तो इसी के साथ दोस्तों आज का आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है कल हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद और 1990 तक यानी कि 1950 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही तो आज के लिए केवल इतना ही करेंगे फर्स्ट चैप्टर इज ओवर कल क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि कल हमें पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी है कि 1950 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था किस किस प्रकार की रही और कैसी रही इस क्लास की जो पीडीएफ है अभी आप क्लास के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल है संतोष शर्मा यूपीएससी यूपीएससीडमी जिसे आप एट द रेट अन अकेडमी एस के शर्मा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस हैप्पी लर्निंग टू तो ऑल ऑफ यू और ध्यान रखिएगा कि नया बैच आ चुका है आप सभी के लिए जिसे भी अन अकेडमी को ज्वाइन करना है वह एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कर सकता है कल फिर मिलेंगे 11 बजे ठीक है तो कल फिर आप और हम 11 बजे मिलते हैं तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू हैव ए ग्रेट डे एंड जय हिंद जय भारत